हेलो दोस्तों, सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है एम सी स्टैन की तरफ से। तो आपको पता होगा कि एम सी स्टैन की जो इंसान एल्बम है उसको रिलीज हुए काफी वक्त हो चुका है, और आज हिंदी रिकॉर्ड ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली हुई थी जिसमें कि आप देख सकते हो स्पॉटिफाई टॉप एल्बम्स इंडिया में उनकी जो इंसान एल्बम है वो 13वें नंबर पे चल रही है। साथ ही एम सी स्टैन फिर से बिग बॉस 16 किंग ऑफ द वीक चुने गए हैं। साथ ही आज एम सी स्टैन ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहे थे एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में नंबर 1 पे। अगली जो न्यूज है वो आ रही है रफ्तार की तरफ से। तो रफ्तार ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला हुआ था, आप देख सकते हो, जिसके नीचे उन्होंने कुछ इमोजी लगाए हुए थे और नीचे एक हैशटैग लगाया हुआ था, हैशटैग कोलैब स्ट्रेट फ्रॉम अ पैरेलल यूनिवर्स। तो आपको क्या लगता है किसके साथ कोलैब आने वाला है, नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगली जो न्यूज है वो आ रही है एमीवे की तरफ से। तो एमीवे ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर की हुई थी जिस पे की लिखा हुआ था, आफ्टर मल्टीपल लिसन आई ऑनेस्टली फील दिस इज द बेस्ट एल्बम इंट्रो ट्रैक इन इंडियन हिप हॉप, फोर्थ ट्रैक एग्जैक्टली जस्टिफाइज द टाइटल ऑफ द एल्बम एंड द प्रोडक्शन सैंपल इज सुपर। एमीवे की इस एल्बम के लिए आप कितने एक्साइटेड हो नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगली जो न्यूज है वो आ रही है बादशाह की तरफ से। तो बादशाह ने एक ट्वीट किया हुआ था जिस पे लिखा हुआ था, फीलिंग्स बड़ी हैं नंबर्स से। इसके बाद GD47 ने इस पर रिप्लाई करते हुए लिखा हुआ था, बस के बाहर बड़ा है रासा से। पर बादशाह ने इसका रिप्लाई करते हुए लिखा हुआ था, GDX बैड बॉय बड़ा है देयर ग्रेटेस्ट ऑफ, और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। तो देखते हैं ये कोलैब हमको कब तक देखने के लिए मिलता है। साथ ही डीनी जेम्स के किसी नए सॉन्ग की शूटिंग चल रही है। हाय बोल दो। हाय, बहुत टाइम से वेट कर रहा था, शूट का फाइनली हो रहा है। आई एम सो हैप्पी, आई कांट वेट कि इसको एडिट करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इट्स गोइंग टू बी सुपर डुपर डुपर। बहुत पहले लिखा था एक्चुअली मैंने ये गाना, कोई गेस कर सकता है कि कौन से गाने के बारे में बोल रहा हूँ? एनी गेसेस? कोई आइडिया नहीं है तुम लोगों क्या कर रहे हैं। साथ ही यश राज का नया सॉन्ग भी हमको इसी महीने देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही पैंथर ने भी उनके नए सॉन्ग का ऑफिशियल पोस्टर रिलीज कर दिया जो कि हमको 20 तारीख को देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही सीधे मौत का एक सॉन्ग रिलीज हुआ है उनके यूट्यूब चैनल पर, और उसके लास्ट में लिखा हुआ था एल्बम इनकमिंग। साथ ही कलमिंग का भी नया सॉन्ग वीडियो के साथ में रिलीज हो चुका है। तो इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही जेट्रिक्स ने भी स्पॉटिफाई पे 200,000 मंथली लिसनर्स क्रॉस कर लिए हैं, तो इनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।